effortless and this is so easy. मतलब कितना टाइम लगेगा आपको इसमें? So guys, please don't judge me on this hair because ये मैंने अभी just wash करा हुआ है and this is how frizzy and unmanageable it looks. So at the video, I'll also show you कि मैं अपना makeup और मेरा hair कैसे you know I work on them just before going to the office. Hi guys, welcome back to my channel. मेरे channel में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. Also caption से आज आपको पता चल ही गया होगा, today my video is about how to rock your makeup in kurtis, especially for college going girls and also for the office girls out there. Generally हम college या office पे casual कुर्ती ही पहनते हैं, ज़्यादा you know heavy कुर्तीस पहनते नहीं हैं. और उसमें किस टाइप का मेकअप करना चाहिए इसी वीडियो में आज मैं आपको शो करूँगी. और ये जो मेकअप मैं शो करूँगी, दैट्स व्हाट आई प्रिफर वेन एवर आई वेयर माई कुर्तीज फॉर ऑफिस. ऑल्सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है बिकॉज मैं इसमें बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये जो मेकअप लुक मैं आपको शो करूँगी जनरली आपको इसमें 5 मिनट्स ही लगेंगे. एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाई हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन व्हिच इज़ जस्ट डाउन बिलो द स्क्रीन. सो या चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. फॉर दिस लुक मैंने पहना हुआ है एक ब्लैक कलर की कुर्ती और एट दी एंड मैं इसको पेयर करूँगी एक कलरफुल दुपट्टा के दुपट्टा से, एज यू कैन सी. सो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप जस्ट लेट मी टाई माई हेयर सो दैट जो बेबी हेयर्स है डज नॉट कम ऑन माई फेस वाइल डूइंग द मेकअप एंड मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ. ऑल्सो थोड़ा सा कैमरा में जूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं क्या कर रही हूँ ऑन माई फेस. सो फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग ऑब्वियसली विद प्राइमिंग. प्राइमिंग करना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइजर लगाना और प्राइम करना फेस के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इट्स समर सो दैट योर मेकअप डज नॉट मेल्ट. आई एम यूजिंग माय प्लम्प फेस सीड ऑयल. ऑल्सो आई हैव पेयर्ड माई लुक्स विद दीज झुमकीज बिकॉज इंडियन आउटफिट मुझे लगता है बिना झुमकीज बिना बैंगल्स के और बिना बिंदी के इनकम्प्लीट है. सो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो. अब मैं अपने स्किन को प्राइम करूँगी विथ माई मेबलिन मास्टर प्राइम. प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस मेक्स योर सर्फेस ऑफ द स्किन वेरी स्मूथ, स्मूथ कर देता है ताकि आप जब भी बेस लगाओ एक स्मूथ एप्लीकेशन हो. सो दैट्स वाई आई हैव अप्लाइड माई प्राइमर. प्राइमर के आफ्टर फ्यू सेकेंड्स विल गो फॉर द बेस. फॉर द बेस आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपने ब्रश से. अगर आप फिंगर्स यूज करना चाहते हैं यू कैन गो विद दैट, आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो उसी के साथ करिए. आई एम रियली कंफर्टेबल विद द ब्रश सो आई एम यूजिंग द ब्रश. और ये बेस मैंने इसलिए किया है बिकॉज इट्स वेरी स्मूथ एंड बहुत जल्दी यू नो फेस पे ब्लेंड हो जाता है. तो ये हमारा बेस रेडी हो गया. क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर एंड यू डोंट वांट योर फाउंडेशन टू क्रीज तो हम थोड़ा सा पाउडर इस पर अप्लाई करेंगे. सो मैं यूज़ करूँगी अपना वेट एंड वाइल्ड पाउडर. नाउ विल मूव टू आवर आईब्रोज. आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई बी यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट. आई यूज दिस ब्राउन शेड. सो ये हमारा आईब्रोस हो गया. आईज मेकअप में सबसे लास्ट में दिखाऊंगी. अब थोड़ा सा फेस को कलर देने के लिए व्हाट आई बी डूइंग, मैं थोड़ा सा ब्लश यूज़ करूँगी. सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का ब्लश ड्यू है ये इन द शेड ब्राज़ीलियन बॉम्बशेल. और मैं ये पिंक कलर यूज़ करने वाली हूँ फॉर माई ब्लश एंड आई अप्लाई इट ऑन माई चीक. थोड़ा सा नोज पे भी आई रियली लाइक कलरिंग माई नोज थोड़ा सा जैसे कश्मीरियों का होता है. सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पिंक कलर, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा हल्का सा. अब हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हाइलाइटर. हाइलाइटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्किन में हम ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे हैं तो जस्ट फॉर दैट ग्लो थोड़ा सा हाइलाइटर हम यूज़ करेंगे. और मैं यूज़ कर रही हूँ माई फेवरेट वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल. और मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने चीक बोन्स पे हल्के से. This much is enough. थोड़े से नोज पे, थोड़े से क्यूपिड नोज पे. And now we will move to our eyes finally. So guys, for eyes, especially जब मैं ये कुर्ती पहनती हूँ
मैं जनरली आई बेयर अप विद यू नो स्मोक्ड आईज, मतलब मैं काजल लगाती हूँ एंड काजल इज ऑलवेज माई गो टू फेवरेट जब भी मैं कोई भी इंडियन आउटफिट पहनती हूँ. और एक चीज़, मुझे बोल्ड काजल लुक्स बहुत पसंद है. जनरली करीना कपूर शी पेयर्स अप दोज बोल्ड काजल लुक. सो टू गेट दैट, टू अचीव दैट बोल्ड काजल लुक, व्हाट आई डू जनरली, पहले मैं एक जेल आईलाइनर लगाती हूँ उसके नीचे और उसके बाद आई पेयर अप विद यू नो कोई भी काजल हो. सो फॉर जेल आईलाइनर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इन कलर का, यस आई बी यूजिंग दिस इन कलर का आईलाइनर. ये जेल आईलाइनर है. ये क्या करता है, जनरली जो आप काजल लगाते हो स्मज हो जाता है. जेल आईलाइनर लगाने के बाद अगर आप कोई भी नॉर्मल काजल लगाते हो उसके ऊपर, सो वो बहुत देर तक टिकती. दिस इज़ व्हाई आई विल बी यूजिंग टू काजल्स, लाइक एक जेल और एक दूसरा मेरा नॉर्मल कोल. तो मैं यूज़ करूँगी मेरा ये इको स्टे काजल. आई होप यू कैन सी इट व्हाट इट डज. ये आपका काजल बहुत देर तक टिका के रखता है एंड लिटरली जब आप काजल लगाते हो दिस इज ऑलवेज, ये हमारे मन में रहता है कि काजल फैले ना, बिकॉज वंस काजल फैल जाता है वी रियली टेंड टू लुक हॉरिबल, टायर लगने लग जाते हैं और इट लुक्स लाइक बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है. जस्ट टू अवॉइड दैट मैं ये दो काजल यूज़ करूँगी. अगर आपके पास जेल काजल नहीं है तो नो इश्यूज, यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट और देन यू जस्ट कैन गो डायरेक्टली फॉर योर पेंसिल काजल. सो बट फॉर नाउ आई विल बी यूजिंग माई जेल काजल फर्स्ट एंड देन मैं उसको अपनी पतली सी ब्रश से आई जस्ट क्रिएट एन आउटलाइन. सो गाइस यू कैन सी इट. अब मैं लूंगी अपना लॉटस इको स्टे काजल एंड देन इसी के ऊपर मैं डार्क काजल लगाऊंगी. नेक्स्ट मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी बिकॉज काजल इज ऑलरेडी सो बोल्ड, सो आईलाइनर लगा के आई डोंट वांट टू लुक टोटली ब्लैक आउट. सो अब आई जस्ट गो फॉर माई लैशेज और मैं इसमें मस्कारा लगाऊंगी एंड फॉर माई मस्कारा आई एम यूजिंग अगेन वेट एंड वाइल्ड मैक्स वॉल्यूम मस्कारा. सी ऑलरेडी इट लुक्स सो डार्क एंड बोल्ड. सो दिस वॉज माई जस्ट आई मेकअप गाइस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे. नेक्स्ट आते हैं लिपस्टिक पे. सो इट्स अ वेरी सडल लुक फॉर ऑफिस एंड कॉलेज. कोई ज़्यादा भड़काओ कलर हम भड़काओ शुड नॉट बी द वर्ड, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर मैं यूज़ नहीं करूँगी. सो आई जस्ट यूज़ अ वेरी सिंपल बेसिक न्यूड लिपस्टिक. यू कैन गो फॉर एनी चॉइस ऑफ योर लिप कलर जो आपको पसंद हो. सो मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन वेट एंड वाइल्ड लिपस्टिक इन द शेड गिव मी मौका. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो यू विल सी हाउ मच आई लव दिस लिपस्टिक, बिकॉज वहाँ पे मैं जनरली रेगुलरली बहुत ज़्यादा पोस्ट डालती हूँ और वहाँ पे जो भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ कोई भी पोस्ट हो उसमें ज़्यादातर यही न्यू लिपस्टिक होता है. बिकॉज द थिंग इज़ दैट एक तो बहुत अफोर्डेबल है ये अंडर 400 में मुझे मैंने लिया था इसको और इसका ये जो शेड है बहुत बढ़िया है और कोई भी स्किन टोन के साथ ये चला जाता है और कोई भी मैं मेकअप करूँ उसमें इट लुक्स रियली परफेक्ट. सो दिस इज़ माई गो टू न्यू लिपस्टिक और ऑल्सो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट. सो येस इंस्टाग्राम में अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई पोस्ट देयर एंड देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी आउट देयर. सो लेट्स गो फॉर द लिपस्टिक नाउ. आई थिंक सो थोड़ा सा ब्लशर की ज़रूरत है मुझे बिकॉज फेस अभी बहुत ज़्यादा ही बेसिक लग रही है. सो येस दिस वॉज माई मेकअप एंड नाउ जस्ट लेट्स क्विकली मूव टू माई हेयर. सो मैं हेयर का तो ज़्यादा कुछ नहीं करती, आई जस्ट गो एंड सिंपली स्ट्रेट देम बिकॉज मेरे बाल इतने अनमैनेजेबल है और ऐसे हैं तो मुझे थोड़ा सा तो इसको हल्का सा कुछ करना ही पड़ेगा. सो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एंड जस्ट थोड़ा सा जो आउटर पार्ट ऑफ माय हेयर है ना सो दैट जस्ट मैनेजेबल दिखे उसको मैं हल्के से स्ट्रेट कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस. यू कैन सी लाइक दिस पोर्शन जो ऐसे कर्ली पोर्शंस है जो रबर बैंड आप टाई करके जो मार्क हो जाता है बस उसी पोर्शन को थोड़ा सा हल्का सा यू नो टू सेटल इट आउट आप ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हो.
एक्चुअली स्ट्रेटनिंग में भी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, इतनी जल्दी हो गई है. एम जस्ट कॉम्बिंग माई हेयर. आई थिंक दिस इज लाइक परफेक्ट नाउ फॉर मी. एंड देन नाउ व्हाट आई डू इज मैं लूँगी अपना दुपट्टा. Also guys, let's not forget to wear bindis. दिस इज़ द मेकअप लुक गाइस. मैंने बोला था ना बस आपको 5 मिनट ही लगेंगे इसमें. लिटरली प्लीज़ ट्राई दिस आउट. बस बेस लगाना है, थोड़ा सा ब्लश लगाना है, हाईलाइटर लगाना है, काजल एंड देन बिंदी एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर योर कॉलेज और ऑफिस. बहुत जल्दी हो जाता है मेकअप. दैट्स व्हाई आई रियली थॉट कि चलो शूट करके आपको दिखाई दूँ कैसे करते हैं. सो ऑल्सो गाइस टू कम्प्लीट दिस लुक ज्वेलरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ बैंगल्स झुमकीस पहनना ना भूलिए. बट रेस्ट इज योर चॉइस. आपको जैसा पसंद हो यू कैन डू इट. बट मैं जनरली ऐसे ही पेयर अप करती हूँ, यू नो, विद झुमकी बैंगल्स एंड देन बिंदीज. दीज आर जस्ट द फाइनल टचेस. तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक था. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दे देना इस पर. एंड ऑल्सो कमेंट्स में बताना कि हाउ वॉज द लुक एंड आपको क्या अच्छा लगा इस चीज़ में. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम गाइस.